कि क्या क्या कंडीशन है इसमें, अगर किसी का कोई डाउट है तो बोले। बीसीडी के बारे में किसी का कोई डाउट कोई सवाल हो तो बोले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखें ड्राइवर केबिन में, कल हमने देखा था एक स्वान नाम का बजर लगा हुआ है। ये बजर लगा हुआ है रिले Q20 के साथ। तो ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट की मात्रा जब भी कभी बढ़कर 790 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, नॉर्मल कोर्स में 700 वोल्ट तक की सप्लाई हम देते हैं ट्रैक्शन मोटर में WHE5 लो को। लेकिन यदि ड्राइवर साहब ने ज्यादा नॉचेस ले लिया और ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट की मात्रा बढ़कर 790 वोल्ट्स हो गई तो ये ओवर वोल्टेज हो जाता है। और अगर हम किसी भी मशीन को ओवर वोल्टेज देते रहे तो मशीन गर्म होगी, बाइंडिंग जलेगी, नुकसान होगा। उससे बचाने के लिए Q20 नाम की रिले लगी है, नाम है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। ये रिले एनर्जाइज हो जाती है और इस रिले के एनर्जाइज होने से ऑटो रिग्रेशन आ जाता है, नॉचेस अपने आप बैक होने लग जाते हैं। साथ ही साथ शान नाम का बजर बजना शुरू हो जाता है। बजर बजकर ड्राइवर साहब को ये इंडिकेट देता है कि ये जो नॉचेस बैक हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं, ओवर वोल्टेज की वजह से। और जब वोल्टेज 700 वोल्ट के नीचे आ जाता है तो Q20 रिले नॉर्मल हो जाती है, एनर्जाइज हुई थी वापस डी एनर्जाइज हो जाती है। और डी एनर्जाइज होने से जो ऑटो रिग्रेशन हो रहा था वो रिग्रेशन होना बंद हो जाता है, नॉचेस वहीं पर रुक जाते हैं और साथ ही साथ ये जो शॉन आवाज कर रहा था, बजर बज रहा था, इसका बजना भी बंद हो जाता है। तो शॉन जो लगा हुआ है बजर, ड्राइवर केबिन में ALP की साइड पे देखा था हमने, कल देखा था फिगर में कि ALP साइड में बजर लगा हुआ है शॉन नाम का। और ये बजर तब बजेगा जब ट्रैक्शन मोटर में जाने वाली करंट की मात्रा 790 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, साथ ही साथ ऑटो रिग्रेशन आता है। और ये दोनों काम किस रिले की वजह से होते हैं, Q20 रिले, उसे बोलते हैं ओवर वोल्टेज रिले। जब भी ये रिले एनर्जाइज होगी ऑटो रिग्रेशन के साथ, स्वान वोल्टेज ड्रॉप होकर 700 वोल्ट या उससे नीचे आ जाएगा तो Q20 रिले वापस नॉर्मल हो जाती, डी एनर्जाइज हो जाती है, ऑटो रिग्रेशन जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, नाचेस बैक होना रुक जाएंगी, जहां पर नाच आकर रुकी उतनी नाच बनी रहेगी और साथ ही साथ इस बजर का बजना भी बंद। वहीं पर ALP साइड में हमने देखा था एक ऑटो फ्लशर की यूनिट लगी हुई है और उसका बजर भी लगा हुआ है। तो पिछले क्लास में भी ऑटो फ्लशर के बारे में चर्चा हुई थी कि ऑटो फ्लशर सर्विस में कब और कैसे आती है। तो इसके बारे में हमने देखा था कि जब लोको पायलट के द्वारा A9 से ब्रेकिंग ना की जाए, A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर रखकर रखा जाए, उसके अलावा किसी भी वजह से BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो हमेशा ऑटो फ्लशर लाइट सर्विस में आती है, चाहे वो लोड पार्ट हो, BP पाइप अनकपल हो जाए, पीछे से चेन पुलिंग किया जाए या इमरजेंसी फ्लैप वाल्व ऑपरेट कर दिया जाए, A9 हैंडल को रिलीज पर रखकर किसी और तरीके से BP ड्रॉप किया जाए या ड्रॉप होता है तो हमेशा ऑटो फ्लशर सिस्टम सर्विस में आता है। और जब ऑटो फ्लशर सिस्टम सर्विस में आता है तो क्या क्या होता है, BP ड्रॉप हुआ तो गाड़ी में ब्रेकिंग होगी, गाड़ी खड़ी होगी, BP ड्रॉप हुआ तो PCS ऑपरेट होता है हमारे डीजल लोको में, AC लोको में लगा है RGEB, रेगुलेटर गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसे हम PCS बोलते हैं डीजल में, उसे AC में बोलते हैं RGEB, वो ऑपरेट हो जाता है। जैसे BP प्रेशर 2.8 kg के नीचे आया तो डीजल में PCS ऑपरेट होता था, यहां RGEB ऑपरेट होता था। उसके ऑपरेट होने से ऑटो रिग्रेशन आ जाता है, नॉचेस बैक हो जाती है, पावर कट ऑफ हो जाता है और जिस डायरेक्शन में हम गाड़ी चला रहे थे रिवर्सर के डायरेक्शन के अनुसार उस तरफ की फ्लैशर लाइट ऑटोमेटिक जलना बुझना शुरू हो जाए, फ्लैशर लाइट का LED इंडिकेशन कंट्रोल पैनल पर आना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ बजर का बजना, ये जो फ्लैशर का बजर है इसका बजना भी शुरू हो जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपकी BP ड्रॉप हो गया है, वापस से आप जिस वजह से भी BP प्रेशर ड्रॉप हुआ था उसे अटेंड कर लेंगे, अटेंड करने के बाद जब फिर से BP प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और BP प्रेशर बढ़ते बढ़ते 4.7 kg से ऊपर आ जाता है तो RGEB 4.4 पर नॉर्मल हो जाता है, 4.7 आने पर P2 नॉर्मल हो जाता है प्रेशर स्विच, तो ऑटो फ्लशर सिस्टम खत्म हो जाएगा, प्रेशर का जलना बुझना बंद हो जाएगा।
बजर का बजना बंद हो जाएगा, एलईडी का चलना बुझना बंद हो जाएगा, सारा सिस्टम नॉर्मल होने के बाद आप फिर से नाच लेना चाहेंगे तो फिर से नाच आना शुरू। तो ये ऑटो फ्लैशर के बारे में कल भी अपन ने पढ़ा था, ये बजर के बारे में, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या कोई सवाल है ऑटो फ्लैशर के बारे में तो पूछ सकते हैं।